इधर बोकारो में एचएससीएल और अवैध रूप से रह रहे लोगों ने कार्रवाई को रोकने की मांग को लेकर बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण के आवास पहुंचकर फरियाद लगा डाली। इस दौरान लोगों ने विधायक से इस कार्रवाई को रोकते हुए आवास उपलब्ध कराने की बात कही। इस पर विधायक ने कहा कि बरसात का मौसम आ रहा है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई रुकनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और बोकारो स्टील के अधिकारियों से बात भी की है, तो विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई कहीं से भी उचित नहीं है। लोग विधायक जन प्रतिनिधि हैं, उनसे एक आशा और उम्मीद जनता को है कि हमारे जन प्रतिनिधि हैं, ये कुछ न्यायोचित कल्याणकारी लोगों को बसाने की काम करेंगे। यहाँ सरकारी नीति है कि बसाइए, उजाड़िए मत। उजाड़ने के बाद आखिर लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर भटकेंगे। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी के माध्यम से उन्होंने मैनेजमेंट से बात की है अपने। आज एलोरा हॉस्टल के कई महिलाएं और पुरुष भी आए थे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वहाँ पे वो वर्षों पहले एचएससीएल ने और बीएसएल ने उनको अलॉट किया था, अब अचानक उनको कलडोजर पहुँच गया वहाँ कि खाली करना है, इसको खाली करिए, थोड़ा तोड़ा भी सिम्बॉलिक रूप से। तो मैंने जिला प्रशासन से, एसडीओ साहब से और जो राजन प्रसाद जी ईडी पीएन ने, उनसे आग्रह किया है बात करके कि इस प्रकार का करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बरसात का भी समय, ये लोग कहाँ जाएंगे और सब लोग अलॉटी हैं। हाँ, कुछ खाली जरूर थे जिसमें अवैध रूप से। एलोरा हॉस्टल में वहाँ दो तरह का क्वार्टर है, एक बीएसएल के द्वारा है और एक एचएसएल के द्वारा है। एचएसएल में 22 इम्प्लाई हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने लीज पर लिया है, अलॉटमेंट है। और एचएसएल के द्वारा एक इंटीमेशन दिया गया था और हम लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट में इनके विरुद्ध गए हुए हैं और इसकी सूचना मैनेजिंग डायरेक्टर बोकारो को, डीए डिपार्टमेंट को और ईडी पीएनटी को भी दिया जा चुका है। डीसी बोकारो को भी हम लोगों ने दिया है। और 2008 में सबसे बड़ी बात है कि एचएसएल मैनेजमेंट ने लिखित रूप से